Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास थर्ड. हाउ आर यू टुडे? आई होप यू आर वेरी वेल. आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्ती भी कर रहे होंगे, पढ़ाई भी साथ में आपकी चल रही होगी. चलिए आज हम करेंगे, चैप्टर 11 तक हमारा कंप्लीट हो गया था, आज हम चैप्टर 12 करेंगे, मेज़रमेंट. ठीक है, मेज़रमेंट मीन्स क्या होता है? नापना. जी, किसी चीज़ को जब हम उसे नापते हैं तो वो हमारा मेज़रमेंट कहलाता है. ठीक है, तो फर्स्ट देखिए जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ. ठीक है, लंबाई को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? छोटी छोटी चीज़ों से नापते हैं. छोटी चीज़ों को नापने के लिए हम क्या करते हैं? मेज़र योर डेस्क विथ योर हैंड स्पैन. अपने हैंड स्पैन से हम डेस्क को नापते हैं. पहले के लोग क्या करते थे? जो अपने बॉडी के पार्ट्स से हम चीज़ों को नापते थे. ठीक है, आजकल हम क्या करते हैं? स्केल से नापते हैं या फीते से नापते हैं. बट पहले क्या होता था? नहीं, पहले कोई चीज़ नहीं थी तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते थे उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को नापते थे. जैसे यहाँ पे आपको देखिए दिया हुआ है, हैंड स्पैन, फुट स्पैन, फिंगर विथ कवर्ड एंड स्ट्राइड ऑन और पेस. ठीक है, तो जैसे हमारा जो होता है हैंड स्पैन, हैंड स्पैन क्या होता है? जो जिसे हम बीता भी कहते हैं, वन, जैसे ये वन बीता या टू बीता, इस टाइप से आप किसी चीज़ को नापते हो तो वो हमारा हैंड स्पैन होता है. ठीक है, जैसे हमारी डेक्स है, हम डेक्स को अपने फिंगर अपने हैंड स्पैन से नाप सकते हैं. ठीक है, तो वो वन मीटर की एक डेक्स होती है. अगर आप उसे हैंड स्पैन से नापते हैं, आप मान लीजिए आपकी डेक्स यहाँ से यहाँ तक है. ठीक है, और आप क्या करेंगे? अपने हैंड स्पैन से उसे नापेंगे इस टाइप से, फाइव, तो फाइव या सिक्स आएगी, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनका जो हैंड स्पैन होता है वो स्मॉल होता है. तो आपके हैंड स्पैन से वन मीटर में एट तक आ सकता है. ठीक है, एट सेंटीमीटर तक आ सकता है, सॉरी एट सेंटीमीटर नहीं, एट हैंड स्पैन में आपका वन मीटर कंप्लीट हो सकता है, या नाइन या टेन भी हो सकते हैं. तो फुट स्पैन, फुट स्पैन क्या होता है? जब हम अपने पैर से नापते हैं किसी चीज़ को तो वो हमारा फुट स्पैन होता है. फिंगर विथ, फिंगर विथ क्या होता है? जो हमारी फिंगर है, फिंगर की कितनी चौड़ाई है. ठीक है, वो जैसे हमारा स्केल होता है, स्केल में क्या होता है? आपके यहाँ पे देखिए स्केल दिया हुआ है, स्केल में जीरो से वन तक तो कितना होता है? वो वन सेंटीमीटर होता है. और जो हमारी फिंगर की चौड़ाई होती है वो वन सेंटीमीटर होती है, मीन्स जीरो से वन तक ही होती है अगर स्केल के अकॉर्डिंग आप उसे नापते हैं तो. अब यहाँ पे कवर्ड, कवर्ड क्या होता है? कवर्ड होता है हमारे हैंड से, हमारी फिंगर से हमारे नी तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है? कवर्ड होता है. जब हम किसी चीज़ को इस टाइप से ऐसे नापते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फिंगर तक, ये हमारा कवर्ड होता है. जैसे हमारी ये बुक है, बुक को अगर हम इस टाइप से नापते तो ये देखिए स्मॉल है, छोटी है. ठीक है, ये वन कवर्ड भी नहीं है. या कोई ऐसी चीज़ जिसे हम नापेंगे तो वो वन कवर्ड के अकॉर्डिंग हो, उतनी हो. अब इसके उसके बाद क्या आता है आपका? स्ट्राइड और पेस, मीन्स हमारे दोनों पैरों के बीच में जब हम चलते हैं तो कितनी दूरी का स्पेस रहता है. अगर हम इस टाइप से उसे नापते हैं तो कितना स्पेस रहेगा, ठीक है, वो हमारे पैरों के बीच का जो स्पेस रहता है वो हमारा स्ट्राइड और पेस होता है. ठीक है, इसी टाइप से हम अपने बाकी की चीज़ों को, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन्हें नापने के लिए ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं. जैसे बुक है, बुक को हम नाप सकते हैं वन एंड टू, मीन्स वन एंड हाफ, ठीक है, थोड़ा सा कम, नहीं तो ये टू हैंड स्पैन होता. ठीक है, आपकी और भी कोई चीज़ें, जैसे आपकी बोतल है, आप उसको बोतल को हैंड स्पैन से नाप सकते हैं, अपने बैग को नाप सकते हैं, या किसी और चीज़ को, या आपको मतलब बोर्ड को ही नापना है तो आप बोर्ड को भी अपने हैंड स्पैन से नाप सकते हैं, या अपने कवर्ड से इस तरह से नाप सकते हैं. ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम छोटी चीज़ों को नापने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद देखिए यहाँ पे वन सेंटीमीटर, इट इज़ एज़ वाइड एज़ योर फिंगर. फिंगर की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? आपकी फिंगर की चौड़ाई कितनी है? वो वन सेंटीमीटर है. उसके बाद हमारा आता है मेजरिंग लेंथ इन सेंटीमीटर. अब हम क्या करते हैं? थोड़ी बड़ी चीज़ों को नापने के लिए हम सेंटीमीटर में उसे नापते हैं. ठीक है, थोड़ी जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनकी लंबाई को नापने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं. तो अब यहाँ पे देखिए आपकी इरेज़र, ठीक है, इरेजर है, इरेजर को देखिए यहाँ पे स्केल के अकॉर्डिंग नापा गया है तो कितना आता है? थ्री सेंटीमीटर आता है. उसके बाद
जो आपका रूलर होता है, आपका जो स्केल होता है, स्केल कितने सेंटीमीटर का होता है। अब यहाँ पर ऊपर वाला स्केल आपको 10 सेंटीमीटर का, मतलब जो मार्केट में हमें स्केल मिलते हैं वो आपको टू टाइप के स्केल मिलते हैं, एक स्मॉल वाला एंड एक लॉन्ग वाला। तो स्मॉल वाला जो होता है वो आपका 15 सेंटीमीटर का हैंड होता है, एंड जो लॉन्ग होता है वो आपका 30 सेंटीमीटर का होता है। तो आपको यहाँ पे जो स्केल दिया गया है वो आपका देखिए 15 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग आपकी इरेजर को जब हम नापते हैं तो वो 3 सेंटीमीटर की है। उसी टाइप जब हम यहाँ पे पेन को नापते हैं तो पेन आपका जो है वो 12 सेंटीमीटर का है। आप स्केल से पेन को नाप सकते हैं। दूसरा आपकी नेल कटर है, नेल कटर आप जानते हैं नेल कटर क्या होता है, जिससे हम नाखूनों को काटते हैं, तो वो नेल कटर होता है। नेल कटर को अगर आप स्केल के अकॉर्डिंग रख के नापते हैं तो ये देखिए 6 सेंटीमीटर का है। उसके बाद बोर्ड पिन, बोर्ड पिन क्या होती है, जिसे हम बोर्ड पर कोई चीज़ लगा के उसे पिन से पिनअप कर देते हैं ताकि वो चीज़ निकले ना, बोर्ड पर चिपकी रहे। तो बोर्ड पिन जो होती है वो देखिए कितनी स्मॉल है, ओनली 1 सेंटीमीटर की, जितनी हमारी 1 विथ होती है, 1 फिंगर विथ जो होती है वो 1 सेंटीमीटर की। तो आपकी बोर्ड पिन कितने सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर की। तो आपको समझ में आ गया कि हम छोटी चीज़ों को नापने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं एंड स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है लेस ट्राई वन। लेस ट्राई वन में देखिए आपको यहाँ पे जो बैट दिया हुआ है, क्या दिया है, बैट दिया है। रूलर के अकॉर्डिंग हम इसे नापेंगे, यूज़ अ रूलर टू मेज़र द लेंथ ऑफ दिस पिक्चर इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो इन चीज़ों को नापने के लिए हमें क्या करना है, स्केल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका बैड है, बैड की विथ कितनी है आपकी, बैड की विथ आपकी 2.6 सेंटीमीटर है। एंड हाइट कितनी है, हाइट आपकी 0.8 सेंटीमीटर है। मीन्स यहाँ पे स्केल से अगर आप नापते हो तो 0.8 सेंटीमीटर इसकी क्या है, हाइट है, एंड इसकी चौड़ाई जो है वो, विथ मीन्स चौड़ाई एंड हाइट मीन्स ऊंचाई, ठीक है, हाइट में जितना वो लंबा दिखाया हुआ है। तो ये देखिए कितनी लंबी है, ये 0.8 है, एंड जो इसकी विथ दी हुई है वो आपको 2.6, कितनी चौड़ाई दी हुई है, 2.6 दी हुई है। नेक्स्ट आपकी कार है, कार की लेंथ, लेंथ मीन्स ऊंचाई, ठीक है, तो लेंथ कितनी दी हुई है, 7.1 सेंटीमीटर। एंड हाइट, हाइट कितनी दी हुई है इसकी, 3.2 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट आपका है कैटरपिलर, कैटरपिलर की लेंथ देखिए दी हुई है, लेंथ कितनी दी है मीन्स इसकी लंबाई कितनी दी है, 7.6 सेंटीमीटर दी है। एंड इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 2.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका है क्या है, ये क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री की विथ देखिए 5.4 है, एंड इसकी हाइट कितनी है, चौड़ाई इसकी कितनी दी है, 5.4, एंड इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 6.9। आप स्केल से इसे नाप के लिख सकते हैं। एंड आपको बैट दिया है, बैट की लेंथ कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, एंड इसकी विथ कितनी दी हुई है, 0.9 सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट इन योर नोटबुक सच इज डाइनिंग टेबल, अ टीवी और योर स्टडी टेबल। आप इनमें से एक चीज़ को चूज़ करेंगे, या तो टीवी या डाइनिंग टेबल या स्टडी टेबल, एंड फाइंड इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर्स। उसको बनाएंगे आप, ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद उसकी लेंथ को आप नापेंगे और उसके बाद उसे सेंटीमीटर में लिखेंगे, ओके। उसके बाद आपका आता है मीटर। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मीटर। मीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम एम भी बोलते हैं। मीटर का सिंबल क्या है, एम है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कई बार हम पूरा मीटर ना लिख के उसे शॉर्ट में एम लिखते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, चीज़ों को नापने के लिए गरिमा वांट्स टू मेज़र द लेंथ ऑफ हर स्कूल प्लेग्राउंड। वो अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में क्या करती है, चीज़ों को नापने के लिए, लंबाई, उसकी लंबाई को नापने के लिए कोशिश करती है। तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट आता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर होता है, एंड 100 सेंटीमीटर में आपके 1 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, एंड 100 सेंटीमीटर इजकल टू 1 मीटर, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या होता है कि जो हमारा रूलर होता है, रूलर हमारा, अगर हम 10 सेंटीमीटर, आपको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर वाला रूलर दिया हुआ है। अगर 10 सेंटीमीटर के हम 10 रूलर्स लेते हैं, ठीक है,
10 रूलर्स लेते हैं तो हमारा क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर में हमारा 1 मीटर बनता है। अगर 10 सेंटीमीटर का हम एक रूलर लेते हैं और उसी टाइप के हम 10 रूलर्स लेते हैं तो वो हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर में हमारा 1 मीटर बनता है। अगर आपके पास आप लोग क्या करेंगे कि अपने जैसे आपकी क्लास चलती थी, मैंने पिछली टाइम भी आपको बताया था कि आप 10 रूलर्स अपने फ्रेंड्स से कलेक्ट कीजिए एंड उन्हें अपने डेस्क पर रखिए। डेस्क के अकॉर्डिंग रख के आपको पता चलेगा कि जो आपका डेस्क है वो 1 मीटर का है, क्योंकि 10 रूलर्स 1 डेस्क पे आ जाते हैं। तो उस नेक्स्ट आपका, अब यहाँ पे देखिए आपको दिया फुट स्पैन, ठीक है। 1 मीटर में कितने फुट स्पैन होते हैं, इस बच्चों के जो फुट स्पैन होते हैं वो स्मॉल होते हैं, जो बड़े होते हैं उनके लॉन्ग होते हैं। अगर आप हम रखते अपना फुट स्पैन रखते हैं तो 1 मीटर में 2 या 3 फुट स्पैन आते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग 5 या 4 फुट स्पैन आएंगे। एंड 1 मीटर यू कैन यूज़ योर हैंड स्पैन, हम अपने हैंड स्पैन को यूज़ करके देखेंगे आप हैंड स्पैन को यूज़ करेंगे टू एस्टिमेट 1 मीटर लेंथ। तो 1 मीटर की लेंथ में आपके कितने हैंड स्पैन आते हैं, ठीक है। 1 मीटर में मेरे तो 6 हैंड स्पैन आ रहे हैं। अगर मैं 1 मीटर में अपने हैंड स्पैन इस टाइप से यूज़ करके देखती हूँ तो 6 आते हैं। और आप अगर नापना चाहते हैं तो आप उसको नापें, मीटर में नापें कि जो आपके हैंड स्पैन हैं वो कितने आते हैं 1 मीटर में, ठीक है। 1 मीटर का आप फीता भी ले सकते हैं एंड 1 मीटर आप अलग से नाप के तब उसे अपने हैंड स्पैन से नाप के देख सकते हैं कि 1 मीटर में आपके कितने हैंड स्पैन आते हैं। जहाँ तक आपके हैं 8, 9 या 10 के आसपास ही आएंगे। अब हमारा आता है लेस ट्राई टू में क्या दिया है, ब्रिंग 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिप, एक 1 मीटर की लॉन्ग स्ट्रिप आप लीजिए। यूज़ दिस स्ट्रिप टू मेज़र द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, और आप क्या करिए जो आपका क्लासरूम है उसे आप नापिए, स्पोर्ट्स रूम एंड योर हाइट। आपको इस क्लासरूम को नापना है, स्पोर्ट्स रूम को नापना है एंड अपनी हाइट को नापना है, ठीक है। डू दिस एक्टिविटी इन ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप क्या क्या कर सकते हो, आप इसमें ग्रुप बनाते हो, फ्रेंड्स का ग्रुप बना के आप उसको देख सकते हो कि कितना कितना आता है एंड अपनी टीचर्स की हेल्प भी ले सकते हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस, ठीक है, जो यहाँ पर जगह दी हुई है, जैसे क्लासरूम है, स्पोर्ट्स रूम है एंड योर हाइट। तो क्लासरूम अगर आपका होता है तो वो 4 मीटर का होगा एंड आपका स्पोर्ट्स रूम होगा तो वो 7 मीटर का होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स रूम थोड़ा लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। एंड योर हाइट, आप अपनी हाइट को नापते हो तो किसी की 2.5 एंड किसी की 3.5 या 4 तक आ सकती है, ठीक है। अब हमारा आता है कन्वर्सेशन यूनिट्स ऑफ लेंथ,